आज जो मैं आपको सोयाबीन की रेसिपी बताने वाली हूँ, यदि आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, ये आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा मिश्रा, आपके अपने चैनल आशा मिश्रा में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है 2 कटा हुआ प्याज, 1 मैंने आलू लिया है, 5 से 7 मैंने लहसुन और थोड़ा सा अदरक, और 4 से 5 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक जार ले लेना है और उसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च, और इसको हम थोड़ा सा क्रॉसली ग्राइंड कर देंगे। बिल्कुल भी आपको पेस्ट नहीं बनाना है और पानी भी आपको नहीं डालना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और 2 कटा हुआ टमाटर मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसे अब हम इसमें डाल करके और एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। मैंने सोयाबीन को आधे घंटे पहले ही गर्म पानी और नमक के साथ भिगो दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फूल चुका है और मैंने इसे निचोड़ करके और बाहर निकाल लिया है। वो वीडियो शूट नहीं हो पाई है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब कढ़ाई में हम तेल गर्म कर लेंगे और यहाँ पे मैं सबसे पहले आलू इसमें डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा आलू, तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आलू को हम चलाते हुए कंटिन्यू और इसे हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम आपको यहाँ पर फास्ट ही रखना है। तो आप देख सकते हैं कि आलू यहाँ पर फ्राई हो चुका है, तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देंगे और आलू को हम बाहर निकाल लेंगे। और बाकी अभी कढ़ाई में तेल बचा है, तो इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे सोयाबीन को और इसे भी हम चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने आलू फ्राई किया है ना, उसी तरीके से आपको सोयाबीन को भी फ्राई कर लेना है। तभी हम सोयाबीन डाल करके और कुछ टाइम के लिए एक ही साइड में रहने देंगे, फिर हम इसे धीरे धीरे चलाना शुरू करेंगे। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कलर इसका चेंज होने लगा है और यहाँ पर सोयाबीन अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। तो अब इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि आपका 1 लाइक 1 सब्सक्राइब मुझे आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अब भी आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में तेल बचा हुआ है, तो इसमें मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 मैंने यहाँ पर तेज़पत्ता लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची और दालचीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि मैं आगे गरम मसाला यूज करने वाली हूँ इसलिए। तो देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे प्याज और प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन भून करके और रेडी कर लेंगे। तो प्याज को हम चलाते हुए फ्राई करेंगे और आपको जो है लो टू मीडियम फ्लेम रखना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि प्याज का भी कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हमको नमक यहीं पर इस्तेमाल कर लेना है, ताकि प्याज जो है नमक की सहायता से अच्छे से गल करके और रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से गल चुका है। तो कूटा हुआ हरी मिर्च, लहसुन और अदरक हम यहीं पे डाल देंगे और इसे हम चला करके और 1 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि लहसुन अगर कच्चा रहेगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए इसका भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसे भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ हल्दी पाउडर, और इनको भी हम लहसुन प्याज और अदरक के साथ भून लेंगे। गैस का फ्लेम आपको यहाँ पे बिल्कुल ही स्लो रखना है, क्योंकि मसाले हमारे सूखे हैं तो ये जल जाएंगे, इसलिए आपको गैस का फ्लेम स्लो रखना है। अब यहीं पे हम टमाटर का पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम चला लेंगे। ये सारे आपको स्लो गैस के फ्लेम पर ही करना है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ, प्याज के साथ टमाटर को भी। तो इस तरीके से इसे हम स्लो गैस पे भूनते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगभग भून चुका है। तो अब यहीं पे हम डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आपको ध्यान रखना है कि पहले भी आपने इसमें हरी मिर्च ऐड किया है, तो लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। और मसाले अब यहाँ अच्छे से भून चुके हैं, तो 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है गर्म मसाला और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ। तो मसाले हमारे अच्छे से भून करके रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि तेल भी इसमें से रिलीज होने लगा है। तो अब इस स्टेज पे हमको मसालों को भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे पहले 1 कटोरी पानी ऐड किया है और इसे थोड़ा सा हम चला करके और देख लेते हैं। आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करें।
तो देखिए मैंने एक कटोरी और इसमें पानी ऐड किया, यानी कि टोटल दो कटोरी मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। अब सोया बड़ी और आलू दोनों को हम यहीं पे डाल देंगे और इसे अच्छे से चला करके हम मिक्स कर लेंगे और ढक करके इसे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं और मैं यहाँ पे देखिए सोया बड़ी को चेक कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बन करके और तैयार हुई है। लेकिन थोड़ा सा और अभी से मैं पकाऊंगी, तो एक बार मैं वापस इस पे लिड लगा देती हूँ। तो ये सब्जी आपकी रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा है। तो इस तरीके से आप ज़रूर से बनाएं इस सब्जी को। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।